सुन रहे हैं सुहाग दास्तान के एक खौफनाक कांड इमरान शहला के साथ। एक खौफनाक कहानी कब्रिस्तान का बेटा। गुज़िश्ता एपिसोड में वसीम और करीम सुनसान कब्रिस्तान में एक कब्र को खोद चुके हैं। उन्होंने कब्र के अंदर जो मंजर देखा उस मंजर ने उनके दिल दहला दिए। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। ओह, इस दर्दनाक नजारे ने हमारे दिल तड़पा दिए। कब्र में लाश के करीब एक नौजायदा बच्चा पड़ा हुआ मुर्दे के पस्तान चूस रहा था। कब्र में मुर्दे का तमाम जिस्म मिट्टी हो रहा था, मगर दोनों पस्तान दूध से भरे हुए थे। बच्चे की शक्ल निहायत मकरूह थी। बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली और करीम भी भूत भूत कहकर पीछे हटा, लेकिन वसीम ने बच्चे को अपने बाजुओं में ले लिया और कोठड़ी में ले आया। दिए की मुसलसल रोशनी से घबराकर बच्चा रोने लगा। इस बच्चे की भयानक आवाज कोठड़ी की धुंधली दीवारों से टकराने लगी। मैं और करीम उचक कर एक कोने में जा घुसे। उफ, ये वही आवाज है जो कब्र की तह से सुनाई देती थी। इस आवाज में इतनी करफ्तगी थी कि खुदा की पनाह, एक नन्हे मुन्ने बच्चे की आवाज कहीं न जा सकती थी। वसीम भी पल भर के लिए बुखला गया, ताहम फौरन ही हवा दुरुस्त करके बोला, डरने की कोई वजह नहीं, इसे कुछ हिजा देनी चाहिए। ये कहते हुए वो उठे, भद्दे से ताकचे में रखे हुए मिट्टी के टूटे फूटे बर्तनों में कोई खाने की चीज तलाश करने लगे। आखिर एक बर्तन में उसे थोड़ा सा घी मिल गया जो उसने बच्चे को चटाया और बच्चे ने रोना बंद कर दिया। हमने रात आंखों में काट दी। सुबह साय के आने से पेशतर ही मैं और करीम कब्रिस्तान में गए और रात की खोदी हुई कब्र के तावीज का कौल बदस्तूर कब्र पर रखकर सेंध को उस मिट्टी से भर दिया जो रात को वहां से निकाली गई। सरहाने में लगी हुई सील से मतूफिया का नाम वगैरह पढ़ना चाहा। हुर्फ जंग की तहों से बिल्कुल मधूम हो चुकी थी। मैंने रुमाल पानी में भिगोकर उन पर रगड़ा। आखिर बड़ी मुश्किल से शम्सुन्निसा पढ़ा गया। हुर्फ न पढ़े जाते थे। जब हम लोग वापिस कोठड़ी में आए तो वसीम बोला, हमें साईं के आने से पेशतर ही यहां से चला जाना चाहिए। साईं को इस बच्चे की बरामदगी से मुतल्ला करना अच्छा नहीं। मैंने कहा, छुपाने से क्या फायदा। वो बोला, अगर किसी को मालूम हो गया तो ये बात मशहूर हो जाएगी और तमाम दुनिया इसे देखने के लिए टूट पड़ेगी। इस तरह ये बच्चा मर जाएगा। मैंने कहा, इस बच्चे का पालना खतरे से खाली नहीं। वो बोला, क्यों, क्या तुमने बड़ी बूढ़ियों से बचपन में कभी नहीं सुना कि कई लोगों को कब्रिस्तान में ऐसे बच्चे दस्तयाब हुए जो हामिला औरतों की मैयतों ने कब्र में जने थे। मैंने कहा, ये तो महज रवायतें हुआ करती हैं, भला ऐसी बातों पर कोई यकीन कर सकता है। वसीम कहने लगा, लेकिन ऐसी सूरत में जबकि ये रवायत हमारे सामने अमली जामा पहन चुकी है, ख्वामखा कायल होना पड़ता है। एक डॉक्टर की जुबान से ये अल्फाज सुनकर मैं लाजवाब हो गया। उसके बाद वसीम बच्चे को लेकर बाहर निकल गया और हम साई के आने तक वहीं ठहरे रहे। वसीम ने इस बच्चे का पालना जितना आसान समझ रखा था उतनी ही दुश्वारियां पेश आई।
वो बच्चा करीम के सुपुर्द किया गया, मगर वो भी इस जिम्मेदारी को निभा ना सका। आखिरकार इसे एक बे औलाद बेवा की गोद में दे दिया गया। इस बच्चे का नाम सफदर रखा गया। उसके कफील हम लोग थे और उस गरीब बेवा की निगरानी में परवरिश पाता रहा। चंद माह के अंदर बच्चे की शक्ल इतनी तब्दील हो गई कि पहचाना न जाता था। उसके पिचके हुए गालों ने गोश्त पर होकर हसीन बना दिया। उस परिजात बच्चे की बड़ी बड़ी और लंबी आंखें खास तौर पर खूबसूरत चमकीली थी। मुझे और करीम को बनिस्बत वसीम के इस बच्चे से ज्यादा उन्स हो गया। ये बच्चा हैरत अंगेज तौर पर नशवनुमा पा रहा था। बच्चे के दिमाग में पैदाइशी नुक्स था। 2 बरस का हुआ तो गरीब बेवा को शिकायत रहने लगी कि बच्चा नहायत तुन मिजाज है। जिस गिलास में वो पानी पी ले वो उसमें खुद पानी नहीं पीता और उसे अपने बराबर बैठने नहीं देता। 4 साल का हुआ था कि वो बेवा फौत हो गई। अब उसे दोबारा करीम के पास लाया गया। घर लाने पर हमें इसकी आदात और अतबार का सही अंदाजा हो गया। जिस तरह इसकी हस्ती पुर इसरार थी, इसी तरह इसकी आदात और अतबार भी निराले थे। वो भड़कीले कपड़ों का शायद और अतरियात का आशिक था। जब तक दस्तरखान पर बहुत से खाने ना हो वो खुश ना होता। गांव तकिए के सहारे तन्हा बैठकर सोचा करता था। वो कुदरतन शाय और हाजिर जवाब था। इस 12 साल की उम्र में इस तरफ राग़िब ना हुआ। उसकी तबीयत में फयासी इस दर्जा थी कि जब कभी भंगी उसे सलाम करता तो उसे घर की चीजें उठाकर इनाम में दे देता। उसकी रंग ढंग देखकर हम उसे सदर जंग कहने लगे। यहां ये कह देना जरूरी है कि सफदर को हमने उसके पुरसरार हालात से बिल्कुल नावाकिफ रखा था और उससे उसके मुतल्लिक किसी किस्म का कोई जिक्र न करते थे। इन्हीं अय्याम में एक रात को करीम मेरे पास बुकलाया हुआ आया और घबराई आवाज में कहने लगा, आका सफदर को कोई आरजा हो गया है। मैं घबराहट में नंगे पाऊं दौड़ता हुआ सफदर के कमरे में गया। सफदर की हालत नागुफ्ताबाद थी। वो पागलों की तरह कमरे की दीवारों के साथ साथ नहायत तेजी से घूम रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर यकायक करीम की चीख सुनकर रुक गया। करीम ने कांपते हुए हाथ से दीवार की तरफ इशारा किया। उस दीवार पर सफदर के 2 साई पड़ रहे थे। देर तक उसकी यही हालत रही, फिर यकदम एक साया गायब हो गया और सफदर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह मैंने वसीम से जाकर इस वाकये का जिक्र किया। उसे भी बड़ा ताजुब हुआ। हम कई दिन तक इस वाकये पर गौर करते रहे लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। ये वाकया हफ्ते की रात का था। दूसरे हफ्ते की रात को तफतन इसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। इसके साए दो हो गए और वो कमरे में घूमने लगा। इसके बाद सफदर की हर हफ्ते की रात यही हालत हो जाने लगी। हमने बेहतर इलाज मुआलजे कराए, आलिमों की तरफ रुजू किया, दम झाड़ टूने वगैरह किए लेकिन कोई फायदा ना हुआ। एक दिन वसीम मेरे पास आया। उसने मुझे अजीब खबर सुनाई। वो कहने लगा कि शहर के मशहूर रईस बंदरबेन को आसेब आ गया है। हर हफ्ते की रात को उसके 2 साई हो जाते हैं। वो पागलपन में लकड़ी के संदूक से टकरे मार मार कर बेहोश हो जाता है। इस खबर ने मुझे मजीद हैरत में डाल दिया। हम दोनों उसी दिन दीवान साहब के घर पहुंचे। दीवान बंदरबेन एक कदीम राजपूत खानदान के आखिरी नाम लेवा थे।
वसीम से उनकी पुरानी सलाम दुआ थी। वो बहुत खुश अखलाकी से मिले मगर उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। देर तक उनकी बीमारी के मुतल्लिक बातें होती रही। वसीम ने सफदर का जिक्र भी शुरू कर दिया और उसकी तमाम दास्तान उन्हें कह सुनाई। यकायक मुझे एक ख्याल आया। मैंने कहा, दीवान जी, मैं संदूक देखना चाहता हूं जिससे टकरे मार मार कर आप बेहोश हो जाते हैं। आप शौक से देख सकते हैं। दीवान साहब, इसमें पुराने जमाने की चंद तहरीरों और असलाह के अलावा कुछ नहीं। दीवान साहब हमें घर के अंदरूनी हिस्से में ले गए जहां एक पुरानी तर्ज का दालान नुमा कमरे के कोने में लकड़ी का बहुत बड़ा संदूक रखा था जिस पर तबीन साफ का सुर्ख चमकीला रोगन किया गया था और जा बजा पीतल के बड़े बड़े फूल और पत्रियां जुड़ी हुई थी। दीवान साहब ने संदूक खोला। उसके पहले दो खानों में उनके अबाव अजदाद का सिपहगरी का साजो सामान और वर्दियां रखी थी और निचले खाने में पुराने तमस दस्तावेजें और दूसरे कागजात भरे थे। हम देर तक उन कागजात का मुआयना करते रहे लेकिन हमें कोई ऐसी चीज दिखाई ना दी जो इन वाकया पर रोशनी डाल सके। आखिर दीवान साहब संदूक बंद करने को थे कि ऊपर के खाने में मुझे एक जर्द आलूद तिलादानी नजर आई। मैंने उसे उठाकर खोला। उसमें दो खत ऐसे दस्तयाब हुए जो कभी हिनाई रंग के कागज पर लिखे गए थे मगर अब खाक सतरी हो रहे थे। खत की तर्ज तहरीर सनाना थी। एक खत का मजमून ये था, करीम और वसीम दीवान साहब के घर पहुंच चुके हैं और वो संदूक जिससे दीवान साहब पागलों की तरह टकरे मारते हैं उस संदूक को खोल चुके हैं। उसमें से एक खत बरामद हुआ है। उस खत में क्या लिखा है ये जानेंगे आप अगली एपिसोड में। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल सुरखाब दास्तान को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह।